हेलो गाइस, तो आज हम टाइफाइड के बारे में बताने वाले हैं। तो एक भाई आपको टाइफाइड के बारे में बताएंगे, आइए जाने। तो भाई बताओ आप टाइफाइड के बारे में, ये कैसे चलता है, कैसे टाइपिंग होती है और कैसे इसका यूज किया है, यूज किया जाता है। देखो सर, पता है आपको इसको है ना, और ऐसे ओपन करना है पेज के हिसाब से। पहले पूरा कर दो ओपन। हाँ अच्छा, इसको कुंडी को ओपन करना है इधर उधर पेज के हिसाब से, जैसा पेज हो वैसा। जैसे ये भाई पेज डाल रहा है, देखो इसके अंदर पेज डालना है आपको। ये पेज डाल दिया भाई ने, आप देखो ये पेज तीसरा है, इसकी उंगली है, इसको इस इन दोनों का यूज करना है आपको। ये देखो पेज जैसे तिरछा उल्टा सीधा डल गया और जैसे टेढ़ा मेढ़ा, देखो ये। तो ये देखो इस कुंडी का यूज कर, इस कुंडी को ऐसे करके और इसको जैसे ये अब देखो सही से हो गया है। और ये सही हो गया पेज, ये देखो। फिर वापस इनको लॉक दे दो, ये लॉक दे दिया भाई ने। और देखो ये देखो इसका यूज होता है गैप देने के लिए। जैसे आप देखो मैं ये का गैप देख रहा, बताऊँ देखो क्यों लिखा है, ये बहुत कम गैप ले रहा है। ये भाई ने क्यों लिख दिया इधर, तो बहुत कम गैप ले रहा है, इसलिए आप है ना ज़्यादातर दो या तीन का यूज करें, क्योंकि तीन के यूज से आपको बहुत स्पष्ट साफ दिखाई देगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ देखो आप, ये देखो इधर नाम भी, ये देखो ये कुंडी है, दो के हिसाब से जैसे कम गैप के लिए, ये देखो कम गैप आ रहा है, कम गैप आ रहा है, अब बहुत ज्यादा आ रहा है गैप। ये गैप एकदम परफेक्ट है। तो ये देखो भाई टाइपिंग कर रहा है। आपको इस हिसाब से गैप रखना है जैसे कि आपको आगे पढ़ने वाले को भी ध्यान रखे कि क्या लिखा हुआ है। ये देखो ये भाई ने लिख दिया है और ये पेज इधर डाल दिया है। और भाई ये किसके लिए, इसके लिए कौन सा यूज होता है भाई? इसका यूज है ना, जैसे देखो अब ये ज़्यादा ऊँचे रखेंगे ना तो एक से बहुत है ना फीके दिखाई देंगे, मतलब बहुत फीका कलर सब फीके। और ये देखो, और ज़्यादा गहरे के लिए क्या करें? गहरे के लिए आपको इसको पूरा नीचे रख देना है। अच्छा, गहरे के लिए पूरा नीचे रख देना है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे देखो ये बी एस, ये देखो ये गहरा आ रहा है, पहले फीका था भाई अब गहरा आ रहा है। ये आपको जूम करके बता रहा हूँ। और ये जो अक्षर है, और ये खोल सकता है क्या भाई, ये वाला डब्बा? हाँ ये खोल भी सकते हैं, खोल के देखो। ये देखो भाई ये क्या है भाई, ये होता है रिबन। रिबन अगर रिबन खत्म हो जाए तो क्या करें भाई? रिबन खत्म होने के बाद है ना आपको ये दोनों देखो ऐसे पकड़ के, यस, इसको ऐसे निकाल देना है, निकाल देना बाहर। हाँ फिर आपको स्टेशनरी से दूसरे रिबन लाकर वापस इधर डाल देना है। अच्छा, रिबन होती है भाई, रिबन खत्म होने के बाद यहाँ से कुंडी को ऐसे निकालना है, कुंडी निकालने के बाद वापस। रिबन डालने का सही तरीका है, जैसे देखो आपको सबसे पहले इसको ऐसे पकड़ के, सबसे पहले आप इसमें डालो, इसको ऐसे करके इसके अंदर डाल के फिर इसके अंदर डालो और फिर इसको इसमें। अच्छा भाई ये किसके लिए, ये वाली इसको जैसे स्क्रॉल करने के लिए, जैसे देखो मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर रहा हूँ जैसे। अच्छा वापिस, जैसे उधर से वापिस इधर आ गई मशीन, ये वाला पूरा इधर आ गया, जैसे कि ये भाई आपको ऐसे ही दिखाएगा। देखो इधर से टाइपिंग करके दिखा दो, ये भाई टाइपिंग कर रहा है। जैसे जैसे धीरे धीरे इधर आ रही है, देखो अब इसको ये देखो, ये इसको देखो, ये पूरी लाइन पूरी हो गई है। इसके बाद स्क्रॉल के अब ऐसे देखो, ये अपना पूछता जाएगा। देखो ये देखो ये पेज ऊपर जा रहा है और इधर पेज ऊपर, अपना पेज ऊपर जाएगा। ये देखो एक बार और दिखा भाई, ये देखो। तो इस प्रकार ये मशीन काम करती है। तो आपको भी टाइपराइटर सीखने के लिए इस वीडियो को भी यूट्यूब, हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें भाई और लाइक फॉलो जरूर करें भाई, और आगे से आगे भेजें। और आगे भाई बताने वाले हैं, बताओ भाई को याद और क्या क्या काम होता है इसमें। देखो इससे देखो आप ये स्मॉल लेटर लिख रहे हैं, देखो हर लेटर स्मॉल हो रहा है। इसको बड़ा मतलब ये कैप्स लेटर देखो, ये हाँ। ये दो कुंडी दी है, इसको बड़ा का इन अक्षर को बड़ा करने के लिए कैप्स लॉक दबाना है। फिर आप देखो ये देखो हर अक्षर बड़ा दिखाई दे रहा है, ये बड़ा दिखाई दे रहा है।
और छोटा करने के लिए इसको वापस इसको ऐसे दबा दो, वापस अपना खुल जाएगा। फिर देखो ठीक है भाई, तो वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। धन्यवाद भाई आपको आई हमारे चैनल में। यस।